जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, आप सबके स्वागत है सारिका सी जी व्लॉग में। आशा करता हूँ संगवारी हो आप मन स्वस्थ हो, मस्त हो, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी पूजा कर क्या हो संगवारी हो, और आप मन मोला पूछे रहे हो दीदी कटोरी चाट की रेसिपी फुल बताना, मतलब मैं छोटे से वीडियो के क्लिप डाल रहे हूँ, तो मैं बोले रहे हूँ अगर फुल रेसिपी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताऊँ। तो बहुत जन कमेंट करे हैं कि हाँ दीदी हमन जानना चाहतन करके। संगवारी हो आज मैं आप मल्ला कटोरी चाट के फुल रेसिपी बताऊँ, तो चलो चलथन। देखो एक से पहले अहू बना रहे हूँ मोर पति जी भर, और अभी भी मोर पति जी भर बना था खबर कि मैं उपवास हूँ, अभी शाम हो गए तो शाम को कुछ ना कुछ खाना पसंद करते, तो चलो ओगरे भर बनाऊँ मैं। हाँ और एक बार अहू बना चुके हूँ, मतलब आज तो चना वना भिगो के नहीं रखे रहूँ, बस आलू में बना हूँ, वो दिन चना वना भिगो के रखे रहे हूँ, तब मस्त अच्छा से बनाए रहे हूँ। तो चलो संगवारी हो कटोरी चाट के रेसिपी बताऊँ आप मल्ला में। हाँ और अभी खाना भी बनाऊँ, अभी दिया बाती लगाऊँ, अगर बात खाना बनाऊँ, अब बीच मंदिर से आऊँ मैं। हाँ तो अभी घर में भी दिया बाती लगा लेता हूँ, फिर कटोरी चाट बनाऊँ, फिर खाना बनाऊँ, तो चलो चलथन किचन में। संगवारी हो दिया बत्ती के टाइम हो गई, तो सबसे पहले मैं दिया लगा ले हूं, और यहाँ पास मैं यहाँ मैदा ला गूँथ के रखे रहूँ 10-15 मिनट पहले, ऊपर से मस्त अच्छा से बेला जाते। यहाँ पास इमली उबाल दे, हम थोड़ा सा पानी डाल पड़ी सूख गए हैं, और यहाँ पास चना आलू उबला थे, तेल गर्म हुए बार रख दे हूँ। तो चलो बना था कटोरी चाट की तैयारी कर था हमन अभी, और कटोरी भी रख ले हूँ मैं यहाँ दे। तो चलो संगवारी हो बना था, संगवारी हो पूरा तैयारी करके रख चुके हूँ, और यहाँ पास दो ठो कटोरी चाहिए, तीन ठो भी रख सकते हो अपन पे, दो ठो कटोरी रखे हूँ। कटोरी में अच्छा से तेल लगा लो, यहाँ पास मैदा ला अच्छा से बेल ले हूँ मैं, यहाँ गोल रोटी जैसे पतला से, और एकदम पतला भी नहीं बोले हूँ, एकदम मोटा भी नहीं बोले हूँ, मीडियम बेले हूँ। ओकर बाद हमन पूरा रोटी में कुछ इस प्रकार लगा ले वो, और जो भी एक्स्ट्रा रिसोला काट के निकाल दो मैं यहाँ, और चाकू में ऐसी बना देबो संगवारी, मतलब कट कट कर देबो, ओकर से ना फूल ही नहीं है यहाँ, और मस्त अच्छा से तला जाही। तो अभी मैं कटोरी ला एमें डाल दूँ, थोड़ा देर के बाद ही ला पलट दूँ संगवारी हो, और गैस के आँच लभी मैं एकदम मीडियम रखे हूँ। ओकर बाद ऐसे अगर आप मान के पास कुछ है सनसी टाइप या फिर चिमटा है, ओकर से भी काम चल जाए, फिर पलट ले हूँ मैं यहाँ, और ऐसे ही धीरे धीरे करके पलट पलट के बनाना है हमला, और एकदम ईजी निकल जाते संगवारी हो। अभी आप मतलब मैं दिखाऊँ कटोरी कितना ईजिली निकल जाए, मतलब छोड़ देते हम तेल लगाए रहे ना कटोरी में अच्छा से, और ऐसी टाँका टाँका करे से भी मस्त अच्छा निकल जाते। और दूसरा भी बनाए के तैयारी करता हूँ, तो देख सकते हो संगवारी हो मैं आप मतलब निकाल के दिखाता हूँ कितना ईजी से निकल गए यहाँ, मस्त देख सकते हो ये दे। और ऐसी आप मैंने अगर बनाना चाहते हो तब बना सकते हो, कितना इजी है बनाए। कई जन ग्लास वाला भी बनाते, ऐसे मैं ग्लास वाला भी बना के देखे हूँ, पर थोड़ा सा बिगड़ के, कबर की ग्लास वाला फर्स्ट टाइम ट्राई करे हूँ मैं यहाँ, और कटोरी वाला ही ज़्यादा बनाता हूँ, तो ये जो फर्स्ट में बना रहे हो ना थोड़ा से बिगड़ गए, तो कोई बात नहीं, होते रहते कबर की फर्स्ट में बना पे तो थोड़ा बहुत बिगड़ जाते, मतलब टूट गए थोड़ा से, पतला हो गया रिश्तो। तो आप मैं सब तरफ थोड़ा मीडियम रखना, और से टूट ही नहीं, तो अभी दूसरा वाला बनाए की तैयारी करता हूँ, और ऐसी ऐसी कुछ कट कर ले वो हमन हाँ, ओकर से अंदर भी अच्छा से पक जाते, और कटोरी ला अच्छा से फिर छोड़ देते यहाँ पकते। तो और संगवारी हो आप मन भी बनाथो का जरूर कमेंट करके बताऊँ कटोरी चाट, और कौन कौन ला पसंद है कटोरी चाट वाला भी कमेंट करके बताऊँ। फिर ए वाला लभी मैं तेल में डाल दूँ, धीरे धीरे करके सबला ऐसी बना ले मैं हाँ। संगवारी हो अगर आप मन घर में छोटे मोटे गेट टुगेदर कर थो ओमें भी बना सकते हो आप मन हाँ, कुछ भी छोटे मोटे पार्टी है बर्थडे वर्डे ओमें भी सब जन भर बना सकते हो। मैं जो कटोरी के इस्तेमाल करे हूँ कटोरी थोड़ा साइज़ में बड़े, तो आप मन छोटे छोटे कटोरी में भी बना सकते हो, बहुत जन भर बनाना है था, और बहुत टेस्टी भी लगते और कम खर्चे में बन जाते मोर ख्याल से, और अपन हाथ से बना के खिलावे तो बहुत मजा आते। आप मतलब कैसे लगते संगवारी हो जरूर कमेंट करके बताओ, मोला तो बहुत अच्छा पहला वाला थोड़ा से बिगड़ी से, ओकर बाद सब अच्छा बना थे और हो जाते, फर्स्ट टाइम बनाऊ या फिर सेकंड टाइम भी बनाओ थोड़ा सा बिगड़ जाते, तो फिर एक कटोरी ला चलो मैं निकाल लेता हूँ। और संगवारी हो देख सकते हो अपन कटोरी कितना इजी बाहर आ गए, तो आप मन अगर बनाऊँ तो बहुत सावधानी से बनाना संगवारी हो, तेल बहुत गर्म हो जाते तो एती ओती मत हो जाए, नुकसान मत पहुँचाऊँ अपन हाथ ला, ऐसी सावधानी पूर्वक बनाना। और यहाँ पास देख सकते हो चार ठो बन गए, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमन सब ला बना ले वो। और संगवारी हो मैं अकेला बनाते रहे हूँ, एक वजह से मोला थोड़ा टाइम हो गया, मतलब मैं दोपहर में चालू करे रहूँ ना बनाए बार, तो शाम हो गई मतलब 3 या 4 बजे चालू करे रहूँ बनाए बार। अगर आप मन के घर में बहुत जन सदस्य है तो आप मन हाँ सहायता लेके बनाऊँ तो जल्दी बन जाही। और संगवारी हो मैं सबसे पहली बार देख रहा हूँ कटोरी चाट, तो दिखे में तो बहुत टेस्टी लगत रही से, मतलब यूट्यूब में ही देखे रहे हूँ, ऐसी में कुछ कुछ रेसिपी देखत रहता था बहुत पहली देखे रहे हूँ, तो मतलब बहुत कठिन लगत रही सर, बाप रे इतना सारा कुछ करेल पड़ते बनाए बार, तो लेकिन जब मैं बनाऊँ तो बहुत अच्छा लगी से, और थोड़ा से मेहनत करे के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिलते तो एकदम खुशी होते। देख सकते हो यहाँ पास एक दो ठो बस टूटी मोर से पहले पहले, और बाद बहुत अच्छा बन गए, तो इला मैं अच्छा से डब्बा में रख लूँ, और बचे हुए मैदा से मैं कटवा बना लूँ, ऊपर में
भी डाल सकते हैं कटोरी चट के और ऐसी खाए बार। और वहाँ पास देख सकते हो संगवारी हो दे ग्लास वाला बना रहे हो ना, और टूट गए मैं ट्राई करके देखत रहे हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान, एक्सपेरिमेंट करे बिना छोड़ नहीं सकूँ, तो मैं सोचूँ ग्लास वाला भी बना के देख लेता हूँ करके, लेकिन वो टूट गए शायद, कुछ गलती हो गई मोड़ से, नेक्स्ट टाइम ज़रूर और ट्राई करूँ। और यहाँ पास जो मैं सलोनी बनाती हूँ वाला अच्छा से तल लूँ, थोड़ा से लास्ट में बजगिरी से और सलोनी बना लूँ मैं यहाँ कबर की, ज़्यादा भी कटोरी चाट बना के रखूँ फिर से हिला जाए तो मज़ा नहीं। कबर के अभी भी थोड़ा मौसम ख़राब चला थे, मतलब बीच में पानी गिर जैसे धूप भी हो जाते तो उसी हिला जाते तो मज़ा नहीं आया। अगर मोल बनाना रही तो कभी भी और बना लूँ, एक वजह से सलोनी बना दे लास्ट में जो बची तेला। और यहाँ पास ना मैं कटोरी चाट के ऊपर में डिज़ाइन डाले बर ये दे दिल वाला, स्टार शेप वाला कुछ कुछ बना है स्टार शेप वाला हरे। और संगवारी एक साँचा मिलते मीशो में ले रहे हो मैं बहुत पहली और बहुत काम आते, कबर की मैं कुछ ना कुछ शुरू से ही बनात रहता हूँ, तो मैं कुकीज़ वगैरह भी बनाता हूँ तो एक कारण इला ले ले रहे हो मैं यहाँ। और ये हार्ट शेप वाला और हर साइज़ के, मतलब 3 या 4 साइज़ के है एकर, तो आप मतलब दिखाता हूँ स्टार हार्ट और ये फूल वाला। और एकर मन के 4 सेट है और आप मन अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो मीशो से, कुकीज़ कटर करके सर्च मारूँ तो आ जाए संगवारी हो। और ये छोटे हार्ट शेप वाला कितना क्यूट लगत है, बहुत सारा चीज़ बना सकते हो आप मन। तो संगवारी हो यहाँ पास पूरा सब चीज़ रेडी हो गए, तो चलो बनाथन कटोरी चाट। चना, आलू, धनिया काट के, नींबू और यहाँ पास प्याज टमाटर बारीक बारीक काट के, और इमली यहाँ पास एक अच्छा से घोल बना लेकर पूरा पल्प मला निकाल दो, नमक धनिया चाट मसाला मिर्ची और जितना भी सब सामग्री डाले के यहाँ पास रख दे हूँ। और कटोरी चाट बनाए बर जो कटोरी बना रहे हो ओला डब्बा में अच्छा से रख ले हूँ और ओला निकाल के अभी चलो बनाथन कटोरी चाट। तो संगवारी हो यहाँ पास कटोरी लवी रख ले हो मैं यहाँ, और फिर ये में डालबो आलू चना जो भी हमने यहाँ पास रखे हैं ना, आप मैं ना अनारदाना भी डाल सकते हो पर मोर पास नहीं रही से, अनारदाना नहीं ला रहे हो मैं यहाँ और कुछ कुछ चीज़ नहीं ला रहे हो आज जो बना हो मैं, दही भी नहीं डाला है खबर की, दही भी नहीं ला रहे हो मैं यहाँ, जो भी घर में सामान उपलब्ध रही से होकर से बना हो। और यहाँ पास मैं मिर्च और धनिया पाउडर थोड़ा से छिड़क ले, ओकर बाद हमने में डालबो इमली पानी, इमली पानी थोड़ा डार्क रखे हो संगवारी हो, ओकर बाद प्याज डाल देबो और फिर टमाटर डाल देबो। और फिर मैं थोड़ा से नींबू भी निचोड़ लूँ, एकदम चटपटा टैंगी वाला टेस्ट आ जाए। अगर आप मैं नहीं डालना चाहो नींबू तो मत डालूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पास दही नहीं डाले करो जैसे भी नींबू डाल दूँ। और बहुत अच्छा थे संगवारी हो टेस्ट, जैसे कि चाट गुपचुप में नींबू के टेस्ट तो बहुत अच्छा आते ही। और मैं थोड़ा से इमली पानी और डाले रहा हूँ, फिर लास्ट में धनिया होकर बिना तो कुछ काम होने वाला ही नहीं है, कबर की जब तक धनिया डाल पे तब तक अच्छा नहीं लगे। और यहाँ पास में जो स्टार वाला बना रहे हो ना वाला गार्निश करे बर ऊपर में रख दूँ, देख सकते हो कितना क्यूट लगा थे। तो ऐसी सजा के देवे तो खाना के टेस्ट और बढ़ जाते, वो खाने वाला लभी बहुत मज़ा आते। तो आप मन भी ऐसी कुछ बनाना संगवारी हो, देख सकते हो यहाँ पास हार्ट वाला लभी रख दे हो और बहुत अच्छा लगा थे। ऊपर से मैं डाल दूँ थोड़ा से मिक्सचर, कबर की सेव खत्म हो गई तो मैं मिक्सचर डाल दूँ। अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ तो नहीं लाऊँ संगवारी हो सेव, जो मैं बताऊँ ना जो भी सामान घर में रही से ओकर से ही बनाऊँ। और आज की वीडियो ए वाला हरे वो तो कल के रही से वाला कल बना रहे हो और अभी भी बनाता हूँ मोर हस्बैंड जी बर। तो चलो संगवारी हो जल्दी जल्दी यहाँ पास मैं सब चीज़ ला काट के रख ले हूँ, कबर की मोला बस एक जन पर बनाना है तो थोड़ा थोड़ा ही काटे हूँ सब सामग्री ला। तो यहाँ पास मैं यहाँ आलू ला भी छील लेता हूँ और आज के मैं तो मटर नहीं डालने लगे, कबर की मैं मटर लाना उबाले बार भूल गए रहो, मतलब भिगो के ही नहीं रखे रहो, तो बस यहाँ पास आलू ला छील लो मैं हाँ, एक ठोक बस आलू डालूँ कबर की एक जन भर हो जाही। तो चलो संगवारी हो मैं आप मान ला एकदम लाइव बना के दिखाता हूँ, वो वाला ला तो कल बना रहे हो लेकिन ए वाला ला आज बनाता हूँ ओकर बर बस, और वो दिन में भी खा रहे हो बहुत टेस्टी लगी से, और अभी शायद एक बार और खा सकता ना मन, मतलब 2-3 और बचे है तो आलू भी कट गए संगवारी हो। तो चलो ये वाला कटोरी चाट के, सिंपल वाला कटोरी चाट के जल्दी से तैयारी करके बना के देता हूँ, कबर की ओला बहुत ज़्यादा भूख लगत है। तो देख सकते हो आप मैंने यहाँ पास मैं रख चुके हूँ कटोरी, लो यहाँ पास आलू डाल दें और सब चीज़ ला मन धीरे धीरे करके मैं डाल देबो। और बहुत ही सिंपल तरीका से बना के बताऊँ संगवारी हो मैं यहाँ आप मन ला, बहुत जन बहुत सारा चीज़ डालते हैं आप मन अलग अलग देखो ना अलग अलग वीडियो में तो अलग अलग दिखाई आप मन ला, खबर की सब जन के बनाए के तरीका कुछ अलग होते, तो मैं थोड़ा अपन स्टाइल से बनाता हूँ सिंपल तरीका से ताकि मोला भी सहूलियत होए और आप मला भी सहूलियत होए, ज़्यादा तामझाम मत करना पड़े। और कई जन फ्रूट्स वगैरह भी डालते, फ्रूट्स चाट भी बनाते अलग से, लेकिन ए में भी फ्रूट डाल के बनाते, तो अगर आप मन फ्रूट वाला भी बनाऊँ तो अच्छा लगी। यहाँ पास इमली थोड़ा से गर्म है और नींबू भी डाल दें
रहे हो, एक करन धुआं निकलत रही से। और ये वाला बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है, काबर की एमे डलावा थे दही का। मैं हाँ आज दूध वाला भैया ला दही लाए बार बोल रहा हूँ, काबर की शंकर जी में चढ़ाना रही से, अभिषेक वगैरह करना रही से, तो बहुत सारा मंगवा रहे हो, एक करन दही लाधा रख दे रहा हूँ। सब्जी भी बनाना रही इसमें आज दही वाला कढ़ी सब्जी। तो चलो संगवारी हो, ये तो पूरा बन के रेडी हो गए। अभी एला मैं अच्छा से धनिया से गार्निश कर लूँ और ऊपर से डाल दो चाट मसाला, तो लेख दो अपन हस्बैंड जी के पास। चलो तो संगवारी हो, आज बहुत सिंपल से बना हूँ, ये तो देख सकते हो आप मन कटोरी चाट। ओके, इसे लगा था आप मन जरूर कमेंट करके बताऊ। वैसे बहुत टेस्टी लगते संगवारी हो, और मैं बना के रखे रहे हूँ, मतलब कम से कम 7-8 ठो बना के रखे रहे हूँ, और एला बहुत पसंद है तो मैं बना के रख दे रहा हूँ। और संगवारी हो ऐसी बना के आप मन एक हफ्ता तक रख सकते हो। मैं हाँ एला बना के रखे रहे हूँ, ऐसी कटोरी बना के रख रहे हूँ और एक हफ्ते तक बना के रख सकते हो मस्त अच्छा से स्टोर करके, मैं डब्बा में रख दे रहे हूँ। तो चलो ये देख आता हूँ अभी मैं, हाँ दम मस्त खुशबू आते हुए। तो संगवारी हो बन के रेडी हो गए है वे, ये दे जी खा के बता कैसे लगे। वैसे बहुत बार खा चुके हैं वे, हाँ तब भी पूछा था कैसे लगते कटोरी चाट, अच्छा लगते जब खाता हूँ। एलाना संगवारी हो आप मन कई जन बोलते रहो कि पति 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 कर देता है, एला मोर हाथ के खाना बहुत पसंद है और मैं खुद में बहुत खुशी से बनाता हूँ कुछ भी चीज़ ला, मोला बहुत अच्छा लगता है और नया नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करा रहता हूँ। सही करता है, और बाहर के ना थोड़ा मोला हाइजीनिक लगते एक वजह से भी घर में बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और कुछ भी नया चीज़ मतलब देखते या फिर कोई भी नया रेसिपी देखते तब बनाए जरूर ट्राई करता हूँ और बनाता हूँ भी, अवेला बहुत पसंद भी है ना देखो। और अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के बाद रोटी पिज्ज़ा बनाऊँ करके, जो रोटी बच जाते अगर पिज्ज़ा बनाऊँ, जैसे कि हम रात को रोटी बना रहे थे तो सुबह बना रहे थे, तो रोटी पिज्ज़ा बनाऊँ मतलब एकदम देसी स्टाइल में, ऐसे करके सोच रहा हूँ। तो आप मैं रोटी पिज्ज़ा की रेसिपी अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताऊँ, ठीक है। और चलो अभी फिर से जाऊँ संगवारी हो किचन में और खाना बनाना है मोला अभी। संगवारी हो प्रसाद व्रसाद तो पूरा बन गए है, बस अभी खाना बनाऊँ और मोला ना एकदम मतलब ये सब पहन के थोड़ा खाना ना बनाए पर दिक्कत जाते कबर की, मैं एकदम सिंपल कपड़ा पहन के खाना बनाना पसंद करता हूँ। हालांकि ये साड़ी बहुत ही हल्का है और पता नहीं एकदम आज ना थकावट लगा थे, वैसे मोला उपास रहता हूँ तब बहुत कम थकावट लगते, लेकिन आज थोड़ा सा थकावट लगा थे। तो चलो संगवारी हो मैं खाना बनाने के बाद मिलता हूँ आप मल्ला, ठीक है, ब्लॉग वीडियो में बने रहूँ। तो संगवारी हो कटोरी चाट की रेसिपी कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। देखो संगवारी हो इतना मेहनत से बनाता हूँ मैं यहाँ, और आप मल्ला कुछ सीखे मिलते हैं तो प्लीज़ संगवारी हो लाइक कर दे करो, एक लाइक जरूर कर दे करो। आप मल्ला मैं यहाँ नया नया रेसिपी ऐसी बता दूँ जितना भी मोला रेसिपी आते ना, तो संगवारी हो आप मन जरूर कमेंट करके बताना आप मल्ला एकदम चटपटा कटोरी चाट की रेसिपी कैसे लगी से। और ऐसे ही अगर आप मैं नया नया रेसिपी अगर जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना संगवारी हो मोला। मैं सोचा रहा हूँ कि रोटी पिज्ज़ा तो बनाऊँ चे करके, बहुत दिन से सोचा रहा हूँ मैं रोटी पिज्ज़ा बनाऊँ, तो अगर भी रेसिपी डाल दूँ मैं बनाऊँ था। और मोला जितना भी आते ना रेसिपी खाना बनाए पर मतलब जितना भी आते तो ओला मैं बना दूँ। और संगवारी हो मैं पहली ना बिल्कुल भी खाना वाना बनाए पर मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रही से मोला, और संगवारी हो मैं पहली इतना ज़्यादा मतलब मोर शादी भी हो रही ना तो उतना ज़्यादा खाना वाना बनाए में इंटरेस्ट नहीं थी से, बस दाल चावल सब्जी ऐसी बनाओ, यहाँ तक कि मैं नॉनवेज वॉनवेज ला तो छुअत भी नहीं रहे हूँ बनात नहीं रहूँ बिल्कुल भी, मोर मम्मी या फिर मोर बहनी मन बनाए, और शादी के बाद ही सब चीज़ बनाए पर सीखे हों, कबर की हमारे घर में सब कोई खाए पे के बहुत शौकीन है, मतलब मोर ससुराल में मतलब मोर मायके में भी है, लेकिन मोर मम्मी और दीदी मन बना देते रहीस तो मोला इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़त रही से खाना, बस बनाओ मैं सिंपल से, मतलब मैं बहुत भगो खाना बनाए से, लेकिन अब मोला अच्छा लगते खाना बनाए पर कबर सब कोई बहुत शौकीन है तो अच्छा भी लगते खाना बना के मोला। तो संगवारी हो आज के ब्लॉग वीडियो यही तक रही से छोटे मोटे, अगर वीडियो अच्छा लगी सो तो वीडियो लाइक कर दूँ, अगर चैनल में नया हो तो चैनल अब भी सब्सक्राइब कर दूँ। संगवारी हो मेहनत तो लगते संगवारी हो, देखो जैसे आपके कटोरी चट बनाए पर थोड़ा से मेहनत तो लेकिन बहुत टेस्टी लगते, तो आप मन भी बना सकते हो घर में कम सामग्री में भी बन जाते और थोड़ा से बस मेहनत लगते लेकिन बहुत टेस्टी भी बनते, और बाहर के खाथन था वो मन इतना सफाई से भी नहीं बना रहा है, तो आप मन घर में बहुत सारा भी बना के खा सकते हो, बाहर में थोड़ा से महंगा भी मिलते, मोला पता नहीं एग्जैक्ट रेट कि बाहर में कितना मिलता है, अगर आप मला पता हो ही तो आप मन कमेंट करके बताओ, कबर कि मैं तो बाहर में कटोरी चाट वगैरह नहीं खाऊँ अभी तक के, पापड़ी चाट और गुपचुप वगैरह खाऊँ और कटोरी चाट अक्सर घर में ही बनाता हूँ मैं यहाँ, तो आप मला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ संगवारी हो, और शेयर कर देना अपन फ्रेंड बन सा, तो मिलता अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।